तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए, ऑफिशियली अब शाम का आगाज हो चुका है और शाम के इस आगाज के साथ मंच पर आप देख रहे हैं यहाँ पर शीश महल भी आ चुका है। शीश महल खास तौर पर हम तैयार करते हैं शाम को होने वाले परफॉर्मेंसेस के लिए, संगीत के लिए, कविता पाठ के लिए। तो अब हमारे बीच मौजूद है वो हस्ती जो अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनकी कविताएं युवाओं, किशोरों को कविताओं में रस लेना सिखाती हैं, प्रेम करना भी सिखाती हैं। किताबी और सम्मेलनी कवियों के बीच वो वाचक परंपरा के ऐसे कवि हैं जिन्होंने पूरी ठसक के साथ हिंदी की गरिमा को कविता मंच और टीवी चैनल्स के जरिए पूरी दुनिया में कायम किया है। सोशल मीडिया पर जनाब का स्टारडम किसी परिचय का मोहताज नहीं। कुमार विश्वास साहब की खासियत ये है कि उन्होंने बेशुमार पढ़ा है, अपने अनूठे अंदाज में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है और आज की तारीख में आप ये समझ लीजिए कि उनकी कविताओं के जरिए लोकप्रिय कविताओं को लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और मंचों पर जिस तरह से, जिस अंदाज में कुमार विश्वास कविताएं पढ़ रहे हैं, ढाई दशक का ये समय अब तक हो चुका है लेकिन कुमार विश्वास सदाबहार हैं। जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास का। तरफ तकरारों का शोर, मोहल्ले नफरत के हर ओर, हवा में इतना ज्यादा जहर, सांस की उलझी उलझी डोर। तो ये जो दिल्ली के बारे में खबर है कि यहाँ हवा में जहर है, ये गैस चैम्बर बन गया है, यहाँ जी नहीं पा रहे हैं, आज तक के साहित्य महोत्सव में सामने बैठे हुए हजारों हजार युवा ये कहना चाहते हैं हिंदी की कविता की ओर से कि हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। अगली पंक्ति पर बताना, पूरा भारत देख रहा है आपको, पूरी दुनिया देख रही है। हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। हवा में जहर भरा है सियासत ने, राजनीति ने, और हवा में मोहब्बत घोलने का काम करती है कविता। मुझे खुशी है कि मैं मोहब्बत के पाले में हूं और मोहब्बत के प्यारे बेटे बेटियों के सामने खड़ा हुआ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप। हमारे आज तक के तमाम पत्रकार सुप्रिय जी और तमाम लोगों के कैमरे इस प्रतीक्षा में है कि अगले एक घंटे में मैं कोई ऐसी बात बोलूं जिसे चलाया जा सके, फिर फिसली कुमार की जबान। तो मैं उन्हें पूरा अवसर दूंगा कि इसमें से वो कुछ काट के अलग से चला सके, लेकिन जो हजारों लोग यहां पर आए, मैंने मतलब ये कमाल हो गया है साहित्य आज तक। मुझे नहीं लगता कि एशिया में इस समय कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अदबी दुनिया की इतनी बड़ी लोग और इतनी सारी जनता यहां पर आती हो। एक बार आज तक के इस प्रयास के लिए दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाया, इसके लिए मुझे धन्यवाद दीजिए। मैं बिना पेमेंट के इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। कि हमें बेहोश कर साकी पिला भी कुछ नहीं हमको, पिछली साल में और इस साल में क्या बदला। हमें बेहोश कर साकी पिला भी कुछ नहीं हमको, करम भी कुछ नहीं हमको, सिला भी कुछ नहीं हमको, मोहब्बत ने दिया है सब। प्यार की वजह से बने और कुछ लोगों के प्यार में मारे गए। मोहब्बत ने दिया है सब, मोहब्बत ने लिया है सब। अब हाथ तैयार रखना। मोहब्बत ने दिया है सब, मोहब्बत ने लिया है सब,
मिला भी कुछ नहीं हमको, गिला भी कुछ नहीं हमको, मिला भी कुछ नहीं हमको, गिला भी कुछ नहीं हमको, मिला भी कुछ नहीं हमको, मिला भी कुछ नहीं हमको। चार लाइनें और सुनिएगा, दिल्ली वाले बैठे हैं, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, चार लाइनें सुनिएगा, ये समझ जाएंगे, इनकी वाह बता देगी। पहली पंक्ति में बताना कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, बताओ जरा। लेकिन अगली लाइन पढ़ रहा हूं, सरकारें आएंगी जाएंगी, साहित्य महोत्सव चलता रहेगा, जब तक जान है तब तक गाता रहूंगा, राजनीति 5 साल 15 साल, कविता 1000 2000 साल, तब लाइन पढ़ रहा हूं सुनेगा। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, अगली पंक्ति पर बताना मेरे साथ हो तो, कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है, यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है, यकीनन कल है मेरा आज बेशक आज उस पर है। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं, झगड़ा क्या था, उसे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा, अभी जब इतना शोर है तो अगली पंक्ति पर तो उछल जाएगा ये पंडाल। उसे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा, मैं अपना सर बचा लाया महल और ताज उस पर है, मैं अपना सर बचा लाया महल और ताज उस पर है, मैं अपना सर बचा लाया महल और ताज उस पर है। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है, वाह करो। स्वामी जी भी कहते हैं करने से होता है, हालांकि वो भी जीएसटी के मारे हुए हैं, अभी जहाज में मिल गए थे तो कह रहे थे बता बता गौमूत्र पे लगा दी, अरे मैंने कहा गौमूत्र छोड़ो हमारी कविताओं पे लग गई भाई। कि न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है, ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है, अजब सी कश्मकश है रोज जीने रोज मरने में, हाथ खोल कर सुनना, अजब सी कश्मकश है रोज जीने रोज मरने में, मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है, मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है, मुकम्मल मरता है ये दिल अदावत क्यों नहीं करता, तुम्हीं पे मरता है ये दिल अदावत क्यों नहीं करता, कई जन्मों से बंदी है बगावत क्यों नहीं करता, कई जन्मों से बंदी है बगावत क्यों नहीं करता, कभी तुमसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से, कभी तुमसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से, मेरी तारीफ करता है मोहब्बत क्यों नहीं करता, मेरी तारीफ करता है मोहब्बत क्यों नहीं करता, मेरी तारीफ। नया नया सुना रहा हूं, मुझसे पूछ रहे थे पीछे सोशल मीडिया आज तक की क्या सुनाएंगे, सब नया सुना रहा हूं, लेकिन कुछ मुक्तक ऐसी है वो नहीं सुनाऊं ना तो ये जाने भी नहीं देंगे आज तक वाले, तो मैं नहीं सुनाना चाहता पर ये सुनवाना चाहते हैं, इसलिए एक ही तरीका है, मैं कम गाऊंगा आप ज्यादा गाना। कि कोई दीवाना कहता
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। या तो सब चुप रहेंगे या सब गाएंगे। बताओ आज तक पे वादा करो आप सब लोग, एक साथ गाओ कि कोई दीवाना कोई मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल गाओ समझता है या मेरा दिल। पता नहीं हर तरफ धुआं है कि महफिल मुकाम रास्ते और गम उदास हैं। महफिल मुकाम रास्ते और गम उदास हैं, खुद में जो जब्त हैं सभी मौसम उदास हैं। किस किस से पूछिएगा ये बेहल सवाल, अब आज तक सवाल पूछ रहा है कि पंजाब की वजह से, कि हरियाणा की वजह से, या जिसकी वजह से सब है उसकी वजह से है। किस किस से पूछिएगा महफिल मुकाम रास्ते और गम उदास हैं, खुद में जो जब्त हैं सभी मौसम उदास हैं। किस किस से पूछिएगा ये बेहल सवाल, अब सभी उदास हैं या फकत हम उदास हैं। के हजारों रात का जागा हूं, सोना चाहता हूं अब। वाह करो, जब तक करोगे नहीं मैं अगली लाइन सुनाऊंगा नहीं। हजारों रात का जागा हूं, सोना चाहता हूं अब। तुझे मिलके मैं ये पलकें भिगोना चाहता हूं अब। तुझे मिलके मैं ये पलकें भिगोना चाहता हूं अब। बहुत ढूंढा है तुझको खुद में, इतना थक गया हूं मैं। हाथ खोलकर तैयार रहना। बहुत ढूंढा है तुझको खुद में, इतना थक गया हूं मैं, कि खुद को सौंप कर तुझको खोना चाहता हूं मैं।